Okay, natural vegetation. The natural vegetation of an area means the plant that grew naturally in that area. A natural vegetation kya hai? Ek area ki. Ya wo plants jo naturally grow kar rahe hain ek area mein. ठीक है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. वो प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं एरिया में, दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेशन हाउएवर हैव बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. अब वर्ल्ड में इतनी लार्ज नंबर्स ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट है, बट सिंस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये सब क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई है, मतलब चेंज हो गई है. अब ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन. दस द टर्म नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स, नेचुरल एज वेल एज मॉडिफाइड. अब नेचुरल वेजिटेशन में दोनों ही टाइप के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं. सबसे पहले तो नेचुरली जो ग्रो करते हैं, और सेकेंड वो जो मॉडिफाई किए गए हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से मॉडिफाई हुए हैं. ठीक है, दोनों ही नेचुरल वेजिटेशन में इंक्लूड होंगे. तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. देन नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द अर्थ. अब नेचुरल वेजिटेशन वेराई करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में. अगर हम अंटार्कटिक का की बात करें तो वहां की वेजिटेशन डिफरेंट होगी. अगर हम डेजर्ट एरिया की, सारा डेजर्ट की बात करें या थार डेजर्ट की बात करें, तो वहां की वेजिटेशन डिफरेंट होगी. अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें तो वहां की वेजिटेशन डिफरेंट होगी. और ये सब किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल. प्लांट अक्योर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप इन एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन. अब वो प्लांट्स जो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है. अदर ग्रुप्स में है, जैसे कि अगर हम मरीन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट हैं, लेकिन सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है. ठीक है, यहाँ पे जो वाटर के सेंस ये मरीन लाइफ है, तो यहाँ की जो कंडीशन होगी वो सेम होगी, लेकिन जो इनकी वेजिटेशन है या जो स्पीशीज है वो क्या है, डिफरेंट है. तो अ रीजन विथ नेचुरली ऑक्योरिंग फ्लोरा एंड फौना, a region that with naturally occurring flora and fauna that have adapted themselves in their environment form a biome. Biome kya hota hai, aise plants or animals ya aise flora aur fauna jo naturally kisi region mein kya hue hain, grow hue hain aur apne aap ko unhone kya kar liya hai, usi environment ko adopt kar liya hai aur usi environment mein grow kar rahe hain, use hum bolte hain biome. ठीक है, ईच बायोमी इज डिफरेंट विथ इट्स पर्टिकुलर फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. और हर बायोमी की क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है. जैसे कि अगर हम बात करें मरीन लाइफ की, तो वहां के ये सारे फीचर्स डिफरेंट होते हैं. अगर ऑन द अर्थ अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की, तो वहां के फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होते हैं. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, राइट, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें या डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ सब क्या होता है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं. तो दे आर डिफरेंट बायोमीम्स अकॉर्डिंग टू द रीजन्स. सो दिस इज अ बायोमी हैज इट डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फौना. A major vegetation type of earth may be grouped as forest, grasses and shrubs. A major vegetation को earth पे जो major vegetation है उसको तीन parts में हम divide कर सकते हैं. पहला होते हैं forest, दूसरे होते हैं grasses and third one are shrubs. Forest, grasses and shrubs. Their distribution around the world is governed mainly by the availability of moisture. और इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पर. फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट. फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में. ठीक है, ग्रासेस कहाँ पे होती है, दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होती है. और शर्ब्स कहाँ पे होती है, ड्राई रीजन में.
यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट का क्या होता है, जहां पे रेनफॉल भी सबसे ज्यादा हो और सनलाइट भी सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। ऐसे एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रासेस के रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है लेकिन सनलाइट ज्यादा होती है। फिर शर्ब्स क्या होती है, शर्ब्स कंप्लीट ड्राई रीजन, ठीक है। नाउ फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू मेन टाइप्स। फर्स्ट इज एवरग्रीन एंड डेसिडियस, ये भी हमने क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर सो नेम दैट देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर ट्रीज टू शेड ऑल देयर लीव्स। अब मैंने जब लास्ट टाइम आपको ये समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि सपोज अगर एक फॉरेस्ट में 5 ट्रीज हैं, राइट। अब 5 ट्रीज में ए और बी ने एक सीजन में लीव्स को शेड किया, फिर एक सीजन में बी ने किया, नेक्स्ट सीजन में डी ने किया, एंड लास्ट सीजन में ई ने किया, ठीक है। ट्रीज की लीव्स को शेड करने की बात हो रही है यहाँ पे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में क्या कर रहे हैं, लीव्स को शेड कर रहे हैं। तो ऑल ओवर द ईयर एक ना एक ट्री जो है वो ग्रीन है। सो कंप्लीट ईयर में बहुत सारे, सिंस यहाँ पे हम सिर्फ 5 ट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं, राइट। जो वो ट्रीज जिनका लीव्स का शेड करने का सीजन फिक्स नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। गॉट इट। और आपको एग्जाम्पल याद भी आ गया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन्स ग्रीन ऑल्दो ऑल थ्रू द ईयर। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये पूरे साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफॉरस। ये हमने लास्ट ईयर पढ़े हैं, ठीक है। इतना ब्रीफ में इस बार नहीं है तो डोंट वरी। सो ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दैट दीज आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विथ डेंस वेजिटेशन। ये डेंस वेजिटेशन है, सब तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, राइट। एंड द नेक्स्ट पिक्चर दैट इज कॉनिफॉरस फॉरेस्ट। नाउ ये जो कैनोपीज दिखाई दे रही है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि क्या कॉनिफॉरस फॉरेस्ट में कैनोपीज दिखाई देती है। सो कुछ इस तरीके से कॉनिफॉरस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जनरली 4 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफॉरस। ओके, नाउ डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट सॉरी, इन दिस फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर, यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो ट्रीज या पूरे फॉरेस्ट के ट्रीज एक साथ लीव्स को शेड करते हैं, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट को हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपीरेशन। और ये लीव्स, ये फॉरेस्ट ट्रीज को शेड क्यों कर देते हैं, जनरली ड्राई सीजन में जब पानी की कमी होती है तो लीव्स के कारण ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। अगर आपने साइंस में ध्यान से पढ़ा हो तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण वाटर लॉस होता है, राइट। सो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीज क्या करते हैं, लीव्स को शेड कर देते हैं, और सारे ट्रीज एक साथ लीव्स को शेड कर देते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट हम ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रासलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन
two main types, that is tropical grassland and temperate grasslands. There are two pictures. First one is tropical grassland with tall grasses with scattered trees. ये है tropical grasslands, जहाँ पे जो grasses होती हैं वो tall होती हैं, जैसे सवाना हमने पढ़ा था last year, right? ऐसे grasslands क्या हैं? Tropical grasslands हैं. और second picture है Acacia is a common species of the desert vegetation. This is a temperate grasslands, जहाँ पे vegetation बहुत ज़्यादा scarce होती है, कम होती है, ठीक है? Limited species यहाँ पे, limited common species यहाँ पे होती हैं, जैसे कि cactus, acacia, etc. Got it? So I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. If it is clear, then please thumbs up. कोई डाउट? ओके, nobody is having doubt. Since ये तो हमने जो पढ़ रखा है वही था. Now wildlife, next topic is wildlife. Wildlife refers to the various species of plants which live in a natural habitat. Wildlife क्या है? वो स्पीशीज या वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो एक नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं, ठीक है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड. अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है? इंटरलिंक्ड है. द फॉर्मर प्रोवाइड्स अ नेचुरल हैबिटेट टू द लेटर. अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या प्रोवाइड करती है? दोनों ही मिलकर वाइल्ड लाइफ को एक लाइफ प्रोवाइड करती हैं या एक हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है? ये दोनों मिलकर जितने भी वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स हैं उन लोगों को क्या करती है? लाइफ प्रोवाइड करती हैं. सिंस यहाँ पे एक फूड चेन चलती है, इफ यू रिमेम्बर, तो ये फूड चेन कंप्लीट करती है वाइल्ड लाइफ. तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और डिपेंडेंट है. Then both are essential for maintaining the ecological balance of an area. और दोनों ही बहुत ज्यादा essential होती हैं ecological balance को maintain करने में. The type of natural vegetation of in an area determines the type of wildlife available there. अब natural vegetation determine करती है कि वहाँ पे किस type की wildlife रहेगी. जैसे कि अगर desert area में बात करें तो desert area में camel, राइट? या रेट्स, रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स, देन कुछ स्नेक्स. तो ये क्या है? डेजर्ट एरिया की वेजिटेशन है, उसके वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन और वहां की नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से. और अगर हम बात करें मैरीन लाइफ की, तो वहां की वेजिटेशन कैसी होंगी? फिशेस एंड जेली फिश, सी हॉर्स, ब्लू वेल. तो वहां की वेजिटेशन पर्टिकुलर वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है. सो वी कैन से द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एन एरिया डिटरमाइंस बाय द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल हियर. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल दस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू. अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, अगर फॉरेस्ट खत्म हुए तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी. Let us now learn about the variety of wildlife that is found in different continents. और हम wildlife के बारे में देख रहे हैं. उससे पहले ये world natural vegetation का एक map दिया हुआ है. The pink section, this is a tundra vegetation, जो कि generally कहाँ lie करता है? At the polar regions, ठीक है? The red one is of coniferous forest. The blue section, this dark blue section, is mid-latitude grasslands. और इस तरीके से ये सब क्या है? Vegetation को क्या किया हुआ है? Distribute किया हुआ है. तो यहाँ पे कौन कौन सी vegetation represent की गई है? Temperate evergreen, जो green section दिखाई दे रहा है, that is temperate evergreen. The pink section is tropical deciduous forest. Then the brown section, that is this brown section shows the deciduous forest. The yellow one shows the Mediterranean forest.
एंड ग्रीन, डार्क ग्रीन और भी ब्लैक, दिस पिक्चर में ब्लैक दिखाई दे रहा है पर बुक में ग्रीन है. तो दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. द लाइट येलो शेड इज डेजर्ट रीजन एंड डार्क ब्लू इज मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड. लाइट पिंक इज द टंड्रा वेजिटेशन. नाउ द अगेन येलो बट सम डार्क येलो is tropical grasslands, then purple is the highlands and the red one is coniferous forest. So ye sab uska distribution hai. And your homework is ye jo table di hui hai, distribution of natural vegetation and wildlife, ye aapko padhni hai. Ye jo vegetation hai ye do pages mein di hui hai aur ye aapko padhna hai. Kal main is table mein se kuch bhi puch lungi aapse, theek hai? Got it? I hope जो आज मैंने समझाया है वो आपको क्लियर है. If you are having any doubt, you can ask me. और होमवर्क ध्यान रखना, मैं कुछ भी पूछ लूंगी और किसी भी टाइम पर, स्टार्टिंग में भी पूछ सकती हूँ और एंडिंग में भी, क्योंकि कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओनली वन एंड हाफ और हाफ पेज इज रिमेनिंग, क्योंकि पिक्चर्स इतनी सारी है आपकी बुक में. ठीक है, तो हैव अ गुड डे और होमवर्क कर लेना.